यमुनानगर के हरबंसपुरा की रहने वाली भाविका, जिसकी उम्र महज 15 साल बताई जा रही है, उसका शव जगाधरी रेलवे वर्कशॉप के रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ मिला। युवती 10वीं क्लास में पढ़ती थी और वह रात करीब 9:30 बजे घर से बाहर एक्टिवा पर निकली थी, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। परिवार के लोगों ने तलाश की, तब भी उसका कुछ पता नहीं चला। हालांकि दूसरी तरफ रात करीब 2 बजे रेलवे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवती का शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती का शव क्षत विक्षत हालत में था। कुछ नहीं, पढ़ने में भी ठीक थी सारा, बस कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी। उसके बाद समझ ही नहीं आई, 9:30 बजे देखा तो नहीं थी, तो ढूंढने लगे, करते करते पता चला तो वो तो रेलवे ट्रैक पे कल 9:30 बजे। अच्छा, तो फिर 10:30 बजे जब ढूंढा है, कोई यमुनानगर स्टेशन पे आ गया, कोई वर्कशॉप चला गया, कोई बस स्टैंड की तरफ भागा, करते करते फिर पता चला कि वो उसड़ गई है। मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ, बच्चों ने किसी ने बताया कि ये वाली ट्रैक चली हुई है, वो उधर गई है। रेलवे पुलिस को जब इस मामले की सूचना लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर शव के सभी टुकड़ों को कब्जे में ले लिया था, लेकिन बाद में एक टांग साइकिल पार्किंग में मिली तो रेलवे पुलिस भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो गई। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने 174 की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया है। रात करीब 2 बजे करीब सूचना आई थी स्टेशन मास्टर की तरफ से, कोई अननोन डेड बॉडी नामालूम रेलवे से टकरा कर अपलाइन ट्रैक पे पड़ी है। जो मौके पर मैं स्टाफ के साथ गया था, सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह ने मौके पे कार्रवाई की। जो ये भाविका पुत्री राजेश बख्शी और अरबंसपुरा इंदिरा कॉलोनी के रूप में शनाख्ती है, बच्ची थी, पढ़ती थी, और जो वारसों से जो अभी तक पूछताछ हुई हो वो कह रहे भी दिमागी तौर पर परेशान थी, तो इस अभी तक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता भी इसने अपने स्ट्रेस में आकर आत्महत्या की हो। फिर भी अभी स्टेटमेंट और जांच चल रही है, पोस्टमार्टम इसका कराया जा रहा है और जैसे भी तस्दीक उपरांत हालात हो गए स्पष्ट कार्रवाई की जा रही है। नहीं, बॉडी पार्ट्स है, रात का अंधेरा था, जैसे रात को कार्रवाई करके मोर्चरी में रख दी थी। सुबह फिर मैं टीम के साथ गया था तो एक पार्ट करीब 150-200 मीटर की दूरी पर पार्किंग के पास मिला। हो सका कोई जानवर रात को कुत्ता वगैरह को उठा के ले, साथ के साथ सुबह होते ही कब्जे में ले लिया था, वो कार्रवाई कर लिया। आपको बता दें कि यमुनानगर के जगाधरी वर्कशॉप से रेलवे ट्रैक पर एक नाबालिग युवती का शव क्षत विक्षत हालत में पड़ा हुआ मिला। नाबालिग के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके शरीर के टुकड़े घटनास्थल से 200 मीटर दूर मिले। हालांकि परिवार के लोगों के अनुसार वह मानसिक रूप से परेशान थी। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में जाँच की जा रही है, जो भी मामला सामने आएगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।